गाइज आई एम युवराज एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं आपको स्टाइलिश पेड़। सो स्टाइलिश पेड़ दिखाने वाले हैं, टाइटल देख के समझ लिया होगा। और कल आपको इसका पेड़ दिखा दिया था मैंने, कल वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो बस यही कहना चाहता हूँ, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइज। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज की वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं स्टाइलिश पेड़ जो आप कल दिखा दिए थे, तो आज इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे उगाए जाते हैं, कहाँ से लाए हैं। तो ये हमने ख़रीदे हैं भैरोड से, नर्सरी से ख़रीदे हैं। नर्सरी का नाम है जोनी नर्सरी, तो वहाँ से मिले। और कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पीछे से आ रही है हवा, उसको कर देना इग्नोर। सो और आवाज़ कम आ रही हो तो लगा लेना ईयरफोन बस। तो और क्या कहते हैं, इस पेड़ के कुछ फ़ायदे नहीं होते क्योंकि सजावट वाला पेड़ है। कई होते हैं जिसके होते हैं फ़ायदे, और किसी कई के होते हैं जिसके नहीं भी होते हैं। और अभी आपको अब एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो आपको ऐसे बिना हिलेगा कैमरा उसमें ऑनली नहीं हिले, क्योंकि हम ट्राईपॉड लगा के रखते हैं अपनी वीडियोस में। ट्राईपॉड ख़रीद लिया था मैंने, भैरोड ही मिल गया था मेरे को एक शोरूम में। सो आज को हम बताएंगे इन पेड़ों को कैसे उगाना चाहिए। तो भैया हमने इसको एक गमले में उगाया था, तो गमले में नहीं उगा, वहाँ पर दीमक कीड़ी वीड़ी खा गई थी इस पेड़ को। हमने ला के एक ऐसी जगह में उगाया, वो दिखाता हूँ आपको मैं कैसी जगह में उगाया। तो हमने ला के एक ऐसी जगह में उगाया, देख सकते हैं आप, हमने वहाँ पे ऐसी जगह में उगाया जहाँ पे बेल लग रहे हैं उसके पीछे वहाँ पे, तो वहाँ उगाया। तो वहाँ से इतना अच्छा उगा कि मतलब बता ही नहीं सकते। तो वहाँ से आज हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो ये पेड़ मैंने दिखाई दिया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में, और नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। तो बस, और भैया इसको उगाने के लिए खाद चाहिए होता है, मीन्स गोबर। फर्टिलाइज़र तो गिर नहीं सकते क्योंकि फर्टिलाइज़र तो अलग ही चीज़ है, खाद वाद खेतों में गिरा जाता है तो वो नहीं गिरना है। और ज़्यादा भी खाद नहीं गिरना है, थोड़ा ही गिरना है ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए, नहीं तो ज़्यादा गिरोगे तो वहीं पर जल जाएगा। पानी भी 2-3 दिन में एक डब्बा बड़ा वाला गिरना है, क्योंकि नीचे तक वो चल जाता है पानी आराम से, तो वो सूख लेता है पेड़ अच्छी तरह। और बस यही कहना चाहता हूँ। तो यार थैंक्स फॉर लवली सपोर्ट। तो कल मेरे को आधा घंटा नहीं होगा वीडियो डाले हुए, और आपने 10 व्यूज़ कर दिए थे। तो यार आप ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़वाओ जल्दी से जल्दी, और व्यूज़ बढ़वाओ। और बस, और आप मेरे पास 2-4 कमेंट और आए थे कि यार अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाओ, फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाओ। सो एंड बिग शाउट आउट टू द, किसको दे सकते हैं अब, रोज जो अच्छे कमेंट करके देगा उसको बिग शाउट आउट देंगे। सो बिग शाउट आउट टू भावना यादव। सो उनका भी कोई चैनल होगा तो कमेंट करके दे देंगे, नहीं होगा तो उनको बिग शाउट आउट है क्योंकि वो अच्छे कमेंट लिख के देते हैं। तो क्या पता आप भी जल्दी से कमेंट लिखो, और क्या पता कल ही आपका कमेंट मैं पढ़ के दे सकूँ। तो इतने के लिए बाय। और यार मैं जब भी अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और नहीं तो मैं नहीं कराने वाला हूँ फैमिली से इंट्रोडक्शन। और होम ट्यूर 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे जब, क्योंकि अभी ये वीडियो नहीं डाल सकते हम। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और जल्दी मिलता अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो इतने के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नाइस।